और अब मध्य प्रदेश की महाडिबेट तस्वीर देखिए, आस्तीन के सांप, ये किसने कहा है? दिग्विजय सिंह ने। कहां कहा है? ग्वालियर में। और अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है दिग्विजय सिंह ने। हालांकि ये नया नहीं है, इससे पहले भी अपने बयानों के चलते सुर्खियों में अक्सर रहते हैं दिग्गी राजा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि नाग पंचमी का पर्व है, लोग उनसे मिलने आए थे और कहा कि देखिए नाग पंचमी का पर्व है, नाग देवता की पूजा करो, लेकिन आस्तीन के सांपों से सचेत रहो। अब इस बयान के क्या मायने हैं, उसके अलग अलग अर्थ निकाले जा रहे हैं अपनी अपनी सियासत के लिहाज से। क्या कांग्रेस में अभी भी आस्तीन के सांप है, जिसको लेकर दिग्विजय सिंह कार्यकर्ताओं को सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं? हालांकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि पार्टी छोड़ चुके नेताओं को लेकर यह बयान दिया है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस अब 11 से 6 बजे की पार्टी हो गई है। भाई 6 बजे के बाद कांग्रेस ही चाहे तो बीन लेकर आस्तीन के सांप ढूंढने निकल सकते हैं। दिग्विजय सिंह का ज्ञान, आस्तीन के सांपों से सावधान। नाग पंचमी भी है आज, तो सब लोग नाग की पूजा करो, लेकिन आस्तीन के सांपों से सचेत रहो। बयान पर बड़ी तकरार, सियासी लड़ाई आर पार। अब तो 11 से 6 की कांग्रेस हो गई, अब 6 बजे के बाद तो इनको बीन लेके आस्तीन के सांपों को ढूंढने निकल जाना चाहिए। अब क्या पता किसको कहना चाहते हैं। आज ही लक्ष्मण सिंह जी ने निशाना साधा है कांग्रेस के ऊपर, के फायदा और नुकसान का लेखा जोखा लगा के आज जहां फायदा दिखाई दे रहा है वहां चले गए। कांग्रेस में कितने आस्तीन के सांप? क्या दिग्विजय सिंह इशारों ही इशारों में सिंधिया पर निशाना साध गए, या फिर अपने भाई लक्ष्मण सिंह की तरफ? क्यों बीते कुछ दिनों से उनके बयान पार्टी के खिलाफ आ रहे हैं, या फिर दिग्विजय सिंह कांग्रेस के ही नेताओं को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? आज इसी पर करेंगे मध्य प्रदेश की महाडिबेट। दिग्विजय के बयान पर मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही तरफ से बयानों का दौर जारी है। आज इसी पर होगी महाडिबेट, लेकिन पहले आइए देख लेते हैं वो सवाल, जिन सवालों के इर्द गिर्द आज की महाडिबेट रहेगी। पहला सवाल ये रहेगा, दिग्विजय की ये सलाह क्या कांग्रेस में अभी भी है कलह? अगला सवाल रहेगा, आस्तीन के सांपों से सचेत रहने की बात कर रहे हैं दिग्विजय सिंह, किस तरफ है निशाना? तीसरा सवाल रहेगा, क्या कांग्रेस में अभी भी है बगावत के बीच? इन सवालों पर हम आज करेंगे आज की महाडिबेट। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता है मिथुन अहिरवार जी, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है ब्रजगोपाल लोया जी, बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट हमें ज्वाइन करें सुरेश शर्मा जी, और साथ ही मेरे साथ इस गेस्ट पैनल में है वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेले जी। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। मिथुन जी, कौन है आस्तीन के साथ जिनकी तरफ इशारा किया दिग्विजय सिंह ने, या कहे कि अपने ही कार्यकर्ताओं को अलर्ट कर दिया? देखिए अपर्णा जी, दिग्विजय सिंह जी ने जो साफ बात कही है उसमें उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया है। उन्होंने साफ साफ बात कही कि आज नाग पंचमी है और जो नाग देवता होते हैं उनकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन जो आस्तीन के सांप होते हैं, चाहे वो देश में हो, शासन में हो, प्रशासन में हो, अगर आज ईडीआई के एक अफसर, अगर आज ईडी के एक अफसर को गिरफ्तार किया गया तो शासन प्रशासन में आस्तीन का सांप है। सीबीआई के इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया तो आस्तीन का सांप है। भारतीय जनता पार्टी के कई सारे ऐसे नेता हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो आस्तीन के सांप हैं। ऐसे लोग जो आपके साथ रह करके आपके खिलाफ काम करते हैं वो आस्तीन के सांप हैं। और आप इसे कांग्रेस से क्यों जोड़ रही हैं? ये भाजपा में भी तो हो सकते हैं और हर जगह हो सकते हैं। आपके दफ्तर में कई आस्तीन के सांप होंगे। मेरे दफ्तर में या भाजपा के दफ्तर में आस्तीन के सांपों को चिंता दिग्विजय सिंह क्यों करेंगे? वो उन्होंने तो ग्लोबली बोला है कि आप जिस क्षेत्र में चाहे उदाहरण ले सकते हैं, हर जगह ऐसे लोग होते हैं जो श्रेणी जिनकी सांप की होती है, स्नेक होते हैं, लेकिन जो कुछ होते हैं तो कुछ नाग देवता बन जाते हैं और कुछ होते हैं जिनके लिए आस्तीन का सांप जैसा विवरण प्रस्तुत करना पड़ता है। हम मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपके ऑफिस में भी हो सकते हैं। उन्होंने ग्लोबली बोला है नाग देवता हमें क्या सिखाते हैं कि नाग बनो, पूरा मुहावरा ही उसका पूरा अर्थ ही बदल कर रख दिया। मिथुन अहिरवार जी, आप तो प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हिंदी में तो अच्छे मार्क्स आते ही होंगे ना आपके?
नहीं, मैं हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों में टॉपर था, लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए, आप भी पढ़ी लिखी हैं, बड़ी जानकार हैं, बड़ा सम्मान आपको करता हूं, उन्होंने कांग्रेस का कहा है इसमें? उन्होंने ये कहा कि कार्यकर्ता उनसे मिलने गए थे सर, दिग्विजय सिंह को कब से चिंता होने लगी, क्या लक्ष्मण सिंह की तरह कर रहे हैं चिंता? बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड, दिग्विजय सिंह जी ने साफ कहा नाग की पूजा करो, आस्तीन के सांप को मत पालो। कुछ लोग कह रहे हैं ग्वालियर में कह दिया, तो ग्वालियर की आस्तीन का सांप कौन है साहब? वो ग्वालियर की जनता डिसाइड करे। भाजपा की आस्तीन का सांप कौन है? वो भाजपा डिसाइड करे। न्यूज 18 में आस्तीन का सांप कौन है? वो न्यूज 18 डिसाइड करे। उन्होंने तो सलाह दी है, जिसको मानना हो माने, नहीं तो आस्तीन के सांप से डसा जाए। ब्रज गोपाल लोया जी, क्या कहेंगे आप भाई? आस्तीन के सांप तो कहीं भी हो सकते हैं, घर का भेदी लंका डाय है। अब इसकी भी अगर हम बात करेंगे तो मिथुन अहिरवार जी अपने हिसाब से उसकी परिभाषा बता देंगे, लेकिन खैर आप बताइए किसकी तरफ इशारा था दिग्गी राजा का? ऐसा देखिए, मिथुन जी जो कह रहे हैं, मैं उससे कोई बहुत ऐतराज नहीं रखता। क्यों नहीं रखता हूं कि देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है, खासतौर से बहुसंख्यक समाज का, वो दिग्विजय सिंह के बारे में भी यही महसूस करता है और बार बार उनके बारे में ये कहा जाता है। अब दिग्विजय सिंह जी हो सकता है वो खुद के बारे में भी कह रहा हो, मिथुन जी कह रहे हैं वो ग्लोबली बात है, तो ग्लोबली अगर कोई बात है तो वो उनके खुद के बारे में भी हो सकती है। परंतु मैं ये कहता हूं कि बार बार दिग्विजय सिंह जी इस तरह के बयान देकर केवल आप चर्चा में बने रह सकते हैं, आपकी विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। ना तो कांग्रेस पार्टी में आपकी कोई विश्वसनीयता है, ना मध्य प्रदेश की जनता में है, ना देश की राजनीति में है। और इसी तरह आस्तीनों के सांप कह कहकर आपने कांग्रेस को खाली कर दिया, वहां किसी को बचने नहीं दिया, जबकि वास्तव में मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता जानती है कि आस्तीन का सांप है कौन। और यदि वो आस्तीन का सांप आप किसी को कह रहे हैं तो इसको सुनने भी तैयार रहे, क्योंकि जो हम क्रिया करते हैं उसकी प्रतिक्रिया भी आती है। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी उनके अनुज लक्ष्मण सिंह जी ने उन्हें फिर सलाह दी है कि भारत के हालात अलग तरह के हैं, जो ग्वालियर में जाकर वो जिनका अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं दिग्विजय सिंह जी, आप कभी उनकी बराबरी नहीं कर सके। आप एक हारे हुए राजनेता हैं, दो चुनाव आप लगातार हार चुके हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लुटिया डुबाने की जिम्मेवारी आप पर मानी जाती है कि किस तरह मध्य प्रदेश का बंटाधार किया और उसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का किया। वो जो कुछ भी हुआ है उसके दोषी दिग्विजय सिंह हैं और दिग्विजय सिंह की इस तरह के बयान और इस तरह की हरकतें हैं। ठीक है मिथुन जी, आपका इस पर रिएक्शन, उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। मैं केवल थोड़ा समय लूंगा। भारतीय जनता पार्टी की व्याख्या के अनुसार तो भारतीय जनता पार्टी इस जनता के लिए सबसे बड़ी आस्तीन का सांप है। हिंदू हिंदू की बात करते थे रोज, सीए, एनआरसी, वक्फ बोर्ड, तो भारतीय जनता पार्टी आस्तीन की सांप है। दूसरी बात, ब्रजगोपाल लोया जी ने कहा, जरूर पूछिएगा कि आस्तीन का सांप कह कह करके कांग्रेस को खाली कर दिया, मतलब कांग्रेस से जो भाजपा में जिन लोगों का आपने माला पहला के स्वागत किया, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुरेश पचौरी हो, भाजपा उन्हें आस्तीन का सांप मानती है क्या? इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा। तीसरी बात, चुनाव हारने से विश्वसनीयता खत्म हो जाती है, तो नरोत्तम मिश्रा जी की विश्वसनीयता खत्म हो गई ना, योगी जी की विश्वसनीयता खत्म हो गई ना, मोदी जी की विश्वसनीयता खत्म हो गई ना, इन सब बातों को जरा जवाब दे दीजिएगा। आस्तीन का सांप तो भाजपा है जो हिंदुओं का नाम लेकर सत्ता में आती है और मुसलमानों के लिए रोज कानून बनाती है, असल आस्तीन का सांप भाजपा है, इस बात को याद रखिएगा। मुसलमानों के कानून का क्या, इसीलिए विरोध कर रहे थे मिथुन जी? कांग्रेस के लिए कौन सा कानून बनाया? हिंदुओं के लिए कौन सा कानून बनाया? कल जिस कानून, कौन सा कानून बताए? सीए, एनआरसी, मुसलमानों के लिए था, इनमें से हित में था, कौन सा कानून है? सबसे ज्यादा बेरोजगार आप हिंदू, सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार हिंदुओं के साथ, सबसे ज्यादा गरीब आज हिंदू, भाजपा आस्तीन का सांप है देश के लिए, भाजपा में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आस्तीन के सांप है, तो हिंदुओं का वोट लेकर के हिंदुओं को घिसने का काम करते और मुसलमानों के लिए कानून बनाते हैं। भाजपा है आस्तीन का सांप, हिंदुओं के लिए एक कानून जो आपने बनाया बताइए, ट्रिपल तलाक, एनआरसी, वक्फ बोर्ड, हिंदुओं का कौन सा कानून? आस्तीन का सांप है भाजपा, आस्तीन का सांप हिंदुओं के वोट लेकर के, ठीक है ठीक है, लौटूंगी आप दोनों के पास ही, लौटूंगी काउंटर के लिए आप दोनों के पास ही लौटूंगी, लेकिन दो और मेहमान भी हैं। सर नगेले जी, क्या दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है और इसीलिए दिग्विजय सिंह अपने शुभ चिंतकों को, अपने समर्थकों को ये वार्निंग दे रहे थे कि भाई आस्तीन के सांपों से बचकर रहिए? अपर्णा जी, आपने ठीक कहा है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है,
माननीय दिग्विजय सिंह जी राजगढ़ से चुनाव हार चुके हैं, उनके छोटे भाई लक्ष्मण सिंह जी चाचौड़ा से चुनाव हार चुके, और उन्होंने भी कहा था कुछ दिन पहले कि पहले मेरे को मेरी आंखों में धूल झोंकी और मेरे को आंखों से साफ दिखाई देने लगा, दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि आस्तीन के सांप। तो चूंकि जो कांग्रेस के या जो जिन नेताओं पर वो विश्वास करते थे उनके कारण यदि वो चुनाव हारे हैं दोनों भाई, तो इसलिए उनका ये कहना उनके संदर्भ में वाजिब है। लेकिन जो पुराने नेता छोड़कर चले गए कांग्रेस के, उनको आस्तीन का सांप कहना मैं तो नहीं समझता हूँ। आस्तीन का सांप मतलब ये होता है कि जो आपके साथ रह रहा है, जो चला गया वो आस्तीन का सांप क्या हुआ उसको, तो आपने जो भी व्याख्या देना थी आपको, आपने जो जो मतलब असंसदी से असंसदी शब्द की व्याख्या उनको देना थी वो दे चुके हैं, और उस पर कोई बहुत ज्यादा बात करने का मतलब है नहीं। दूसरा, माननीय दिग्विजय सिंह जी यदि वैश्विक स्तर के ज्ञानी पुरुष हो गए हैं तो उनकी सलाह को कांग्रेस पार्टी को पहले मानना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उनकी सलाह को बिल्कुल भी नहीं मानती। यदि मान रही होती तो कांग्रेस पार्टी ईवीएम पे चुनाव नहीं लड़ती। कांग्रेस पार्टी जो है ना उनके अनुकूल मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव लड़ती, लोकसभा का चुनाव लड़ती और देश में भी लड़ती। तो दिग्विजय सिंह जी की कांग्रेस पार्टी में वही स्थिति बची है जो एक वरिष्ठ नेता की रहती है, वो जनरल सेक्रेटरी रहे, दो बार के मुख्यमंत्री रहे। ये बात बिल्कुल सही है कि जो वो बात करते हैं उसमें बहुत दम रहती, तर्क रहता है। जब वो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री पद से जब उनने चुनाव हार गए थे, उन्होंने संकल्प लिया था मैं 10 साल कोई पद नहीं स्वीकार करूंगा, नहीं स्वीकार किया उन्होंने। उसके बाद फिर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा बने, भोपाल से चुनाव लड़ा, इसके बाद वो जनरल सेक्रेटरी बने और कई राज्यों के प्रभारी भी रहे, और अपने बेटे को भी उन्होंने जो दिल्ली की जो एक टास्क कमेटी बनी है, स्क्रीनिंग कमेटी लोकसभा चुनाव के दौरान, उसमें उनको मेंबर बनाया, उनको उन्होंने स्थापित कर दिया। लेकिन माननीय मिथुन अरबार जी मध्य प्रदेश में ही रह गए, जबकि ऐसे नेताओं की कांग्रेस को जरूरत है जिनको राष्ट्रव्यापी जिम्मेदारी मिलना चाहिए। सुरेश शर्मा जी सीजन पॉलिटिशियन है, राजनीति के मंझे में खिलाड़ी हैं दिग्विजय सिंह, इसलिए राजनीति के हर एक दाव पेच को बखूबी समझते हैं। लेकिन अब कांग्रेस में उस कैटेगरी में दिग्विजय सिंह आ गए हैं जहां पर वो फैसला नहीं ले सकते लेकिन सलाह दे सकते हैं घर के एक बुजुर्ग की तरह। ये बात बिल्कुल सही है कि दिग्विजय सिंह जी की जो सलाह है वो बहुत ही व्यवहारिक है, और व्यवहारिक इस मायने में कि उन्हें कांग्रेस का जो सबसे बड़ा खतरा है वो उन्हीं लोगों से है जो भाजपा से मिले हुए हैं और कांग्रेस में काम कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने ये बिल्कुल सही एडवाइस दी है, और इस बात को प्रमाणित करने के लिए मैं ये कह सकता हूं कि दिग्विजय सिंह जी जैसे अनुभवी और दिग्गज व्यक्ति का अपने कार्यकर्ताओं के बीच में बोलना और केवल दो टूक बोलना कि नागपंचमी है, नाग की पूजा करिए, लेकिन आस्तीन के सांपों से सावधान रहिए, इसका मतलब किसी अन्य राजनीतिक पार्टी या अन्य किसी भी व्यक्ति को जो कांग्रेस छोड़ के चला गया उसके बारे में ये टिप्पणी नहीं है। ये टिप्पणी केवल जो है और केवल जो है कांग्रेस के नेताओं को जो सलाह है उनकी तरफ से, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये बात सभी ने कही है, मैं भी उसको जोड़ रहा हूं, लगातार पार्टी हार रही है, लगातार दिग्विजय सिंह जी हार रहे हैं, और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव और पार्लियामेंट के चुनाव हारने के पीछे कहीं कहीं कमलनाथ जी के काम करने के तौर तरीकों को देखा गया, और मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी ने शालीनता पूर्वक इशारा करते हुए ये, चूंकि कमलनाथ जी जो है भाजपा जाने में की भी चर्चा चली थी, इसलिए ये कहीं कहीं इशारा वहां भी हो सकता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये माना जा सकता है कि दिग्विजय सिंह जी अपनी पार्टी को सशक्त करने के लिए ये संदेश दे रहे हैं कि आप जो है आस्तीन के सांपों से सावधान रहेंगे, अभी जाकर के काम बनेगा। अब मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूं, और वो ये है कि जब दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थे तब उनकी इतनी ही सेंधमारी भाजपा में थी, और मुझे याद है कि हम सब लोग खबर लिखा करते थे तो उसमें ये कहते थे कि भाजपा में भाजपा डी यानी भाजपा दिग्विजय, तो ये नगेले जी को भी याद है, तो इस प्रकार की हम खबरें लिखते थे। तो निश्चित रूप से ये भी एक अनुभव है कि लंबे समय सत्ता में रहने के बाद भाजपा ने कहीं लंबी चौड़ी सेंधमारी कर रखी है, ऐसा करके भी दिग्विजय सिंह जी सोच सकते हैं। तो इन सारी बातों को समाविष्ट करते हुए मैं ये कह सकता हूं कि जो है दिग्विजय सिंह के जी के द्वारा जो दी गई सलाह है वो निश्चित रूप से कांग्रेस को मानना चाहिए, और कांग्रेस में ऐसी स्थितियां दिख भी रही हैं, हम लोग जो बाहर से खड़े होकर के देखने वाले लोग हैं उनको ये सब दिखते भी है कि कांग्रेस में ऐसी स्थिति है। निश्चित रूप से मिथुन जी ने बड़ी चालाकी, समझदारी और राजनीतिक सूझबूझ से दिग्विजय सिंह जी के कथन को ग्लोबल बता करके और उनको पार्टी से दूर करने का भी काम कर दिया है। दूर में से अभिप्राय मेरा ये है कि वो पार्टी के लिए नहीं बोल रहे थे, वो तो ग्लोबली बोल रहे थे, इसका मतलब
अब वो ग्लोबली हो गए हैं, सबके लिए हो गए हैं, सबके हो गए हैं, इसलिए उनको जो है दूर करने का भी संकेत जो है मिथुन जी ने दे दिया है। मिथुन जी देखो, मुझे लगता है सुरेश शर्मा जी एक पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, और मुझे नहीं पता ये नागपंचमी को कितना केवल कांग्रेस पार्टी का मानते हैं, लेकिन ये अगर नागपंचमी को भी ग्लोबल मानते हैं तो इस बयान को भी ग्लोबल मानना चाहिए। और अभी ये कह रहे थे कि इन्होंने किया उन्होंने किया, इस प्रदेश में नहीं हुआ क्या? एक मुख्यमंत्री कह रहे थे मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, दूसरे ने पीछे से दिल्ली में सेटिंग कर ली और उनको दिल्ली भेज दिया और खुद मुख्यमंत्री बन गए, तो ये भाजपा के लिए क्यों नहीं हो सकता? मैं तो ये कह रहा हूं भाजपा को बड़े बयानों की चिंता है। पी मुरलीधर राव भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी रहते हुए कहते हैं कि भाजपा के नेता नालायक हैं, तो ब्रजगोपाल लोया जी स्वीकार कर दें भाजपा के नेता नालायक हैं। केपी यादव जिनका टिकट काट के इन्होंने सिंधिया जी को दिया, वो अपने मंत्री के बारे में कहते हैं कि महेंद्र सिंह सिसोदिया मूर्ख हैं, तो क्या ब्रजगोपाल लोया जी उस बात को मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी बताए कि क्या शिवराज सिंह चौहान जी जो उस समय मुख्यमंत्री थे, जो इनके प्रदेश अध्यक्ष है, या जो आज भी इनके लीडर्स हैं, क्या वो नालायक हैं, क्या वो मूर्ख हैं? भारतीय जनता पार्टी एक समय आरएसएस को कहती थी कि साहब आरएसएस हमारा प्रधान संगठन है, आपके जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कह दिया आज हमें आरएसएस की कोई जरूरत नहीं, आज मध्य प्रदेश में आरएसएस कार्यालय से सिक्योरिटी हटा ली, तो आरएसएस के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी आस्तीन का सांप नहीं हुआ? क्या भाजपा को आरएसएस को ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत नहीं है? भारतीय जनता पार्टी को यह चाहिए कि जनता के लिए जो भारतीय जनता पार्टी आज आस्तीन का सांप बनी हुई है, जनता से इन्होंने वादा क्या लिया कि 2700 का हम गेहूं देंगे, 3100 का धान खरीदेंगे, इसके अलावा 450 सिलेंडर, 3000 लाडली बहनों को स्कूटी, बच्चों को लैपटॉप दे क्या रहे, वक्फ बोर्ड, सीए, एनआरसी, लव जिहाद, नाम लिखिए। यह होता है आस्तीन का सांप, कि जनता के साथ तब आते हैं जब जनता के वोट लेने होते हैं, और जनता जब वोट दे देती है तो उसके बाद जनता को रोड डसते हैं। ये डस रहे हैं महंगाई से, ये डस रहे हैं बेरोजगारी से, ये डस रहे हैं अपराधों से, रोजाना जनता को डस रहे हैं। ऐसे आस्तीन के सांपों से मध्य प्रदेश और देश की जनता को भी सावधान रहने की जरूरत है। ये जो आपने पूरी परिभाषा अपने अंदाज में समझा दी, वो तो समझ, वो आपकी समझ है और आपने रखा अपना पूरा वक्तव्य, लेकिन तमाम मुद्दे गिनवाने के बावजूद भी प्रदेश में जो जनता ने साथ दिया है बीजेपी का, तो उस पर आप क्या कहिएगा? विधानसभा चुनाव में भी यही हुआ था, लोकसभा चुनाव में भी यही हुआ, देश के विपरीत यहाँ पर तस्वीर अलग देखने को मिली ना, 29 की 29 चली गई। लेकिन आप ही की बात पर ब्रजगोपाल जी के पास में आ रही हूँ। ब्रजगोपाल जी, चिंता बीजेपी को अपने खेमे की करनी चाहिए, चिंता इस बात को लेकर होनी चाहिए कि जो सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ है, कर्ज देना पड़ रहा है, कैसे आप किए गए वादों को निभाएंगे? नहीं देखिए, हम तो अपने किए वादों को निभा ही रहे हैं, लगभग हर दिन उसके लिए काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने औद्योगिक विकास के लिए काम कर रहे हैं, और आज ही हमने 3.5 लाख अपने औद्योगिक विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। लोया साहब सच्चाई बोल रहे हैं, आप प्रवक्ता के रूप में बात कर रहे हैं, आप ही ने कहा ना माननीय मुख्यमंत्री उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। इतने गैर क्षमतावान आप हो जाएंगे, मैंने कभी कल्पना नहीं, नहीं मैं नहीं हूँ, आपने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी अपने औद्योगिक विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, आपने कहा कि नहीं? माननीय मुख्यमंत्री जी अपने औद्योगिक विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी अपने औद्योगिक विकास के लिए काम कर रहे हैं, आपके शब्द सर मेरे नहीं है। मिथुन जी, उन्हें अपनी बात तो कहने दीजिए ना, वो आपको पेशे से सुनते रहे, अब उन्हें सुन लीजिए। जो नहीं बोलते दिग्विजय सिंह जी, जो नहीं बोलते हैं वो ये बोल देते हैं, और जो इन्होंने बोला है मैं वो ना बोलूं। माननीय उन्हें बात तो कंप्लीट करने दीजिएगा, फिर उसका काउंटर कट करिएगा आप। स्वीकार तो करते हैं इस बात को, उन्होंने कहा ना माननीय मुख्यमंत्री जी अपने औद्योगिक विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, आप सहमत है ना सोया जी? यही कहा ना आपने? दिग्विजय सिंह जी के शब्द पकड़ने आए हैं बड़े। दिग्विजय सिंह जी ने ये कह दिया, दिग्विजय सिंह जी ने वो कह दिया, भाजपा के नेताओं को रोज नालायक बोला जा रहा है, उस पर माननीय मुख्यमंत्री एक बार ब्रजगोपाल जी को अपनी बात रखने दीजिएगा। मैं कहता हूँ मित्र जी, आपकी क्षमता इतनी घट गई कि बयान की चर्चा नहीं कर पा रहे, दाएं बाएं सारे में घूम रहे हैं, और जो उनके आसपास खड़े लोग हैं, क्या वो भाजपा के लोग हैं जिनसे वो कह रहे हैं? आप भी समझते हैं, आप भी समझते हैं कौन का इशारा आपकी तरफ में और आप उंगली हमारी तरफ उठा रहे हैं? मैं फिर से कहता हूँ, इतना सामर्थ्य करिए, बस यही बताना था। प्रदेश की जनता ऐसे लोगों को आस्तीन का सांप माने हैं,
जो अपने औद्योगिक विकास के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए नहीं कर रहे हैं। घुमा दे, मैं फिर से कह रहा हूँ, वो मध्य प्रदेश की जनता आपको बीसियों बार ठुकरा चुकी है, बीसियों बार कितना जवाब देगी मध्य प्रदेश की जनता, कितनी जवाब देगी? और आपकी ये जो कुतर्क है, इनको जनता देखती है और अपना सेट करती है। आप जैसे लोग जो यहाँ भूलते हैं, उसका प्रभाव भी जनमानस में पड़ता है और वो प्रभाव होता है। इस तरह ब्रजगोपाल लोया जी, ठीक है सरमन अकेले जी, यहाँ पर मैं एक और चीज समझना चाहूंगी। दिग्विजय सिंह भले ही वरिष्ठता दिखाते हुए, जो उनका एक्सपीरियंस है, सीजन पॉलिटिशियन है वो, उसके हिसाब से वो एक सलाह दे रहे थे, लेकिन उस सलाह को लेकर भी अगर इतना ही इग्नोरेंट रवैया रहेगा तो जो कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने की बात कही जा रही, कैसे होगा वो? देखिए, कांग्रेस का संगठन इस तरह की बयानबाजी से मजबूत तो नहीं होता है। कांग्रेस की अपनी रणनीति रहती है, उससे संगठन मजबूत होता है। और विचारधारा जब तक वो जमीन तक नहीं ले जाएंगे, कार्यकर्ताओं को नहीं उतारेंगे, मतदाताओं से नहीं मिलेंगे, तब तक कांग्रेस संगठन मजबूत नहीं होगा। एक सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे, आप एक इस बात पर आगे कंटिन्यू करते हुए, क्या ये सुर्खियों में बने रहने के लिए दिग्विजय सिंह ऐसा कह देते हैं? उन्हें पता है कि वो कुछ भी बोलेंगे तो मैं अपर्णा जी इसी पे आ रहा था। माननीय दिग्विजय सिंह जी डीपी मिश्र मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, चाणक्य रहे, और जब इंदिरा जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनना था तो उनका फोन सिर्फ डीपी मिश्र के पास आता था कि के कामराज जी तैयारी कर रहे हैं, आप आइए। तो उतने बड़ी व्यक्ति के वो चेले रहे और वो उनको मानते हैं कि अखबारों में छपो चाहे आपकी उल्टी फोटो छपे, सुर्खियों में रहो, लेकिन आप कुछ भी बयान दो, ये दिग्विजय सिंह जी डीपी मिश्र को फॉलो करते, ये मैंने बता दिया जी। सुरेश जी, आखिरी कमेंट आपसे, बस कुछ सेकंड में। नहीं, निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी का बयान जो है वो इसको बढ़ा सकते हैं, हम अन्य लोगों के लिए भी सीख की बात है, चूंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में कहा है, उससे कांग्रेस को ताकत प्रदान होगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है जी। और ये बात भी अपनी जगह है कि आस्तीन का साथ। ठीक है, मध्य प्रदेश की महाडिबेट पे इतना ही समय था मेरे पास, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। दिग्विजय सिंह की सलाह कितनी मानी जाएगी कितनी नहीं वो तो देखना होगा, लेकिन दिग्विजय सिंह चर्चाओं में एक बार फिर बने रहने में कामयाब जरूर हो गए हैं। एमपी की महाडिबेट पे इतना ही, खबरें लगातार जारी है।